करे नहीं पलकी करिया बाल। जिस समय शराबियों को नशा हुआ है और जब नशा हुआ है भक्तों, तो दोनों शराबी अपनी अपनी पत्नियों को लेकर के एक सरोवर के पास पहुंच गए। पत्नियों से कहा कि सरोवर में हमें स्नान करना है। क्या आप ऐसे नहीं करेंगे, फिर कैसे करोगे? तो वो दोनों राक्षस बोले हैं शराबी, कहा बोले अरे वस्त्र उतारो मेरी प्यारी, आज नंगे हुई कि नहारी, से कहा है कि वस्त्रों को उतारो और निवस्त होकर के सरोवर में स्नान करो। पत्नियां इनकार कर रही हैं, लेकिन दोनों शराबी कोई भी बात नहीं सुन रहे हैं। पत्नियों ने बहुत मना किया, मगर उन दोनों शराबियों ने पत्नियों की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। अपने हाथों से अपनी पत्नियों के वस्त्रों को उतार दिया और निवस्त होकर के जल में नहाने लगे। अचानक उसी रास्ते से देव ऋषि नारद का आगमन हो गया। नारद को आता हुआ देखा कि नारद को आते देख तभी ढक लिए वस्त्र नारियों ने, लेकिन ऋषि की परवाह न की उन दोनों दुराचारियों ने। देव ऋषि नारद की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया, पत्नियों ने तो वस्त्र पहन लिए, वो वृक्ष की तरह से खड़े रहे। नारद को क्रोध आ गया
और कहने लगे, मूर्खों सब कुछ जानते हुए भी तुम वृक्षों की तरह से खड़े हो तो मेरा अश्राप है कि तुम वृक्ष हो जाओ। जो श्राप दिया देव ऋषि नारद ने, श्राप हवा हो गई, पैरों पर गिर गए। महाराज क्षमा कर दाना, मारना उसी का होता है जो मार के पुचकार भी ले। आप तो हमें अधजले मुर्दे के समान छोड़ के जा रहे हो भगवान, जब मैं वृक्ष हो जाऊंगा फिर मेरा उद्धार कैसे होगा? तो नारद ने कहा कि तुम्हारा उद्धार भी होगा। द्वापर में जब कृष्ण का अवतार होगा तब उनके हाथों से तुम्हारा उद्धार होगा। वही नलकूबर मरग्रीव भगवान कन्हैया को देख करके पैरों पे गिर गए और कहने लगे, भगवान तुमने हमारा उद्धार कर दिया। विनती करते हुए अपने दाम के लिए चले गए। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया जब चले गए, बाबा नंद मैया यशोदा ने देखा कि ना तो तेज हवा आई ना आंधी आई, दोनों बच्चे कैसे टूट के गिर गए। मैया यशोदा कहने लगी, पिया जा दिन से कन्हैया हमारे घर में पैदा भयो है, तदिन से कोई ना कोई नए नए नाटक जरूर होते हैं। नंद बाबा कहने लगे, अब हम इस गोकुल को छोड़ देंगे, हम रहेंगे ही नहीं। समस्त यादवों को बुलवा करके बाबा नंद ने एक मीटिंग की, उसमें प्रस्ताव रखा कि भैया कि हम इस गोकुल को छोड़ना चाहते हैं। तो यादव लोग कहने लगे, तुम छोड़ना चाहते हो, तुमसे पहले हम चाहते हैं, तुम तो नेता और नेता ठीक है। उसी समय समस्त यादवों ने जाकर के तुलसी के वृक्षों को कटवा कटवा करके सुंदर सुंदर महल बना बना करके वास करने लगे हैं, जिस नगर का नाम पड़ा है वृंदावन। वृंदावन के धाम को नगर मरम ना जाने कोई, डाल डाल और पात पाती श्री राधे राधे हो। आरे वृंदावन धाम महा, नी कहीं जाओ राधे राधे। बंधुओं ताली बजाओ जोर जोर से, हाथ ऊंचे कर करके। ये जो आपके सामने वीडियो बन रहा है, ये गुलशन कैसेट स्टूडियो चौपला की तरफ से ये कैसेट आपके सामने बहुत जल्दी नेट पे आएगी, इसलिए हाथ उठा करके जोर जोर से बोलो हां। आनंद नहीं आया, ताली बजाओ सभी लोग बजाओ। कहीं जाओ राधे राधे, रखी जाओ राधे राधे। अरे वृंदावन धाम अपार, कहीं जाओ राधे। Hey
बोलिए राधा कृष्ण की।